दिवाली पर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है अयोध्या। अयोध्या रोशन हो रही है, अयोध्या झूम रही है। तस्वीरें देखकर जहन में एहसास का एक समंदर सा उमड़ने लगता है, क्योंकि राम की नगरी की भव्यता खास है। भगवान राम की रामनगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है, क्योंकि भव्य दीपोत्सव है। इस बार रामनगरी में 25 लाख दीपों का विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य है। ऐसे में राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दीयों को सजा दिया गया है। सूरज ढलने के बाद राम की पैड़ी पर दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव से पहले शोभा यात्रा निकलेगी। अयोध्या के प्रवेश द्वार से रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां निकलेंगी। इसमें रामचरितमानस पर आधारित हर कांड से जुड़ा एक रथ इस शोभा यात्रा में शामिल होगा। एक रथ पर भगवान राम के जीवन काल से जुड़े कालखंड दिखाए जाएंगे। शोभा यात्रा रामपथ से श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी से होते हुए रामकथा पार्क पहुंचेगी। शोभा यात्रा में पर्यटन विभाग की रामायण के 7 कांडों पर आधारित 7 झांकियां होंगी, जबकि सूचना विभाग की 11 झांकियां शोभा यात्रा में शामिल होंगी। शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे रामकथा पार्क पहुंचेगी, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, कैबिनेट के सदस्य शोभा यात्रा और झांकियों को देखेंगे। दोपहर 3:10 से 3:20 पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूप हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क पहुंचेंगे। दोपहर 3:35 से लेकर दोपहर 3:42 तक सीएम योगी श्री राम की आरती और राज्याभिषेक करेंगे। शाम 5:20 से 5:40 तक राम की पैड़ी के नए घाट पर सरयू जी की आरती की जाएगी। शाम 5:45 से 6:30 तक राम की पैड़ी पर 21 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या में 7 लाख दीप भी जलाए जाएंगे, जिसके बाद राम की पैड़ी पर होने वाले लेजर शो के माध्यम से भगवान राम के जीवन की झांकी पेश की जाएगी। शाम 6:30 सीएम योगी के संबोधन के बाद आतिशबाजी की जाएगी। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से सजी राम की पैड़ी एक अद्भुत छटा बिखेर रही है। इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास है। न केवल विश्व रिकॉर्ड बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की पहल भी इस दौरान की जाएगी। दीपोत्सव में विदेशी कलाकारों की रामलीला भी होगी, जिसमें रूस, श्रीलंका, सिंगापुर और नेपाल के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे।